किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज बढ़ती आबादी, घटते वन क्षेत्र, कम होती कृषि भूमि और रासायनिक खाद के दुष्परिणामों जैसी ढेरों समस्याओं से हमारे किसान भाई जूझ रहे हैं। इस समय अविलंब आवश्यकता है कि कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों की जानकारियाँ और सुझाव आप सभी तक समय रहते पहुँचाई जाए, और इसी कार्य का बीड़ा उठाया है कार्यक्रम कृषि दर्शन ने, जिसके माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों की जानकारियां और सुझाव उपलब्ध कराते हैं। आज के अंक में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए उपयोगी ई कृषि बाजार, आम को तना छेदक से बचाएं, मूंग में कीट नियंत्रण, गहरी जुताई वाले यंत्रों की देखरेख और एमपी चरी पशुओं का उन्नत चारा। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार 14 अप्रैल से प्रायोगिक आधार पर शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में इसमें 8 राज्यों के किसान 21 थोक बिक्री बाजारों में 25 जिन्सों की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। इससे उन्हें इस व्यापक मंच के माध्यम से अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। मार्च 2018 तक इसमें देश भर की कुल 585 थोक कृषि उत्पाद मंडियों को राष्ट्रीय ई कृषि बाजार NAM से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद केंद्र सरकार कर सहित अन्य संबंधित मुद्दों को सुलझा लेने के बाद इसके जरिए कृषि जिन्सों की अंतर्राज्यीय बिक्री की अनुमति दे देगी। आम की फसल को तना छेदक कीट ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रौढ़ कीट का रंग हल्का पीला या भूरा होता है एवं वक्ष तथा अगली जोड़ी पंखों में नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट की सूंडी तने में छेद कर सुरंग बनाकर अंदर की ओर खाती है, जिससे तना एवं टहनियां सूख जाती हैं, जिससे पौधे की बढ़वार एवं फलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें, तनों की छाल तथा ग्रसित टहनियों को नष्ट करें, सुरंग के अंदर 0.25% डाइक्लोर वास का रुई में भिगोकर या क्लोरपाइरिफॉस 0.05% को इंजेक्शन द्वारा डालकर छिद्रों को गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। कृषि विकास विभाग द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि प्रतिदिन वे मूंग के खेत का निरीक्षण करें एवं आर्थिक क्षति स्तर से अधिक इल्ली पाए जाने पर तुरंत नियंत्रण का उपाय अपनाएं। वर्तमान में मूंग की फसल विभिन्न अवस्थाओं में है। मूंग के फूल एवं फलियां लगने एवं इसकी पूर्व की अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इल्ली एवं अंडों के नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफास 50 EC दवा 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। इल्ली नियंत्रण हेतु इंडोक्सार कार्ब 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु इमिडा क्लोरोप्रीड दवा 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। गहरी जुताई करने वाले यंत्रों के निम्नांकित भाग जो गतिमान होने के कारण जिनमें टूट फूट ज्यादा होती है, इन्हें देखभाल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। मोल्ड बोर्ड में प्लाउ बॉटम का शेयर, हल की फार, लैंड साइड डिस्क प्लाउ में स्क्रैपर, वियरिंग रोलर आदि में टूट फूट की ज्यादा संभावना रहती है, जिनकी उचित मरम्मत द्वारा रखरखाव किया जा सकता है। शेयर कास्ट आयरन का बना होता है, खराब होने पर बदल देना चाहिए, ब्लेड घिस जाने पर बदल देना ठीक रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का प्रमुख योगदान है। पशुओं को उन्नत चारा खिलाकर उनसे बेहतर दूध प्राप्ति के साथ ही पशुओं की उम्र को भी बढ़ाया जा सकता है। एमपी चरी पशु चारा का उन्नत विकल्प है। इसे लगाने के पूर्व गर्मी की जुताई खेत में 3-4 बार करें। खेत तैयार करने के बाद मई के तीसरे सप्ताह में एमपी चरी की बुवाई करना उत्तम रहता है। एमपी चरी का बीज 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। वर्षा विलंब से होने पर सप्ताह में 2 बार सिंचाई अवश्य करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में उपजों के भाव इस प्रकार रहे। लहसुन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़नावर में न्यूनतम भाव 1,700 रुपये प्रति क्विंटल,
अधिकतम भाव 2,700 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में न्यूनतम भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 9,100 रुपए प्रति क्विंटल। अदरक के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में न्यूनतम भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। भिंडी के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। दमोह में न्यूनतम भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। हरदा में न्यूनतम भाव 1,400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। शाजापुर में न्यूनतम भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। भोपाल में न्यूनतम भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, परंपरागत खेती के साथ साथ यदि आप उद्यानिकी फसलों को भी अपनाते हैं तो लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज के अंक में हम बात करेंगे अमरूद की सघन खेती की। क्या है और आप किस प्रकार से अमरूद की सघन खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारी सॉयल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को खेती करनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ है, डॉक्टर आजकल एक चीज़ बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप ठीक है दाल रोटी खाते हैं लेकिन फल को भी खाना चाहिए। आजकल हमारी नीड हो गई है, शायद विश्व में भी इसकी बड़ी आजकल डिमांड चल रही है कि आदमी को फ्रूट खाना चाहिए। तो
तो इसी को मैं ध्यान में रख के और जो आपका यहाँ का क्लाइमेट देखा उसमें मैंने पाया कि आम अमरूद बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। दूसरी एक चीज़ महंगाई बहुत है, लेबर कास्ट मिलता नहीं है, तो उसमें हमने पाया है कि अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अमरूद एक हार्डी क्राप है। दूसरी एक चीज़ है कि इसमें आप डेंसिटी को भी कम कर सकते हैं। नॉर्मल डेंसिटी 6x6 पे हम एक हेक्टेयर में 277 पौधे लगाते हैं, जबकि हाई डेंसिटी में आएंगे 3x6 उसमें 555 पौधे लग जाएगा। डेंसिटी थोड़ी और बढ़ा देंगे उसमें हमारा 3x3 होता है जिसमें 1111 पौधे आ जाएंगे। थोड़ी सी डेंसिटी और बढ़ाएंगे तो 3x1.5 जिसमें हमें 2222 पौधे आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया कि किसानों के पास ज़मीन तो कम होती जा रही, किसी पास थोड़ा ज़मीन है, एक हेक्टेयर है, तो 2x1 लगाए जिसको मीडो आर्चर्ड या अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसमें एक हेक्टेयर में 5000 पौधे आते हैं। गुआवा की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमेशा नए कल्ले पे ही उसमें फल आता है, जिसमें प्रूनिंग का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। जिस किसान भाइयों के पास खेत कम है वो अपना मीडो आर्चर्ड लगा के, और दूसरी एक चीज़ बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारा है कि न्यू नए कल्ले पे ही उसमें फ्लावर बर्ड आता है, तो साल में 2 बार हो, एक मई में दूसरा एक अक्टूबर में, अगर उसके 50% सूट की प्रूनिंग कर दी जाए तो हमें अच्छे अमरूद और अच्छी फलत प्राप्त होगी। दूसरी एक चीज़ और कि हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है, पानी की, खाद की, अगर हम उसको एक्सेस में भी दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे फ्रूट पे, हमारे यील्ड पे असर पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों हम लोग को इस चीज़ को ध्यान में रख के, जैसे हमारी एक ज़रूरत होती है, प्यास लगती है, हम 2 गिलास या 3 गिलास, बहुत प्यास लगी 4 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। अगर एक बाल्टी हमको पानी दे दिया जाए तो शायद हमारे शरीर में दिक्कत हो जाएगी। यही सेम पौधों के साथ भी होता है, लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मेरी एक राय है कि आप लोग ड्रिप इरीगेशन लगाएँ, प्लास्टिक मल्चिंग करें। प्लास्टिक मल्चिंग करने और ड्रिप लगाने से फ़ायदा ये है कि एक तो पानी की बचत होगी, दूसरे जितनी उसकी ज़रूरत है हम उतनी पानी देंगे। फर्टिलाइज़र हम ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं, पानी को और हम मल्चिंग के थ्रू बचा सकते हैं। मल्चिंग करने से एक चीज़ देखेंगे कि सॉइल जो हमारी कॉम्पैक्ट हो जाती है वो आपसे बचा रहेगा, पोरस रहेगा, और हमारे जो पौधा है उसका ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें फ्रूट जो आएंगे अच्छी होंगे। और दूसरी एक चीज़ ये कि कैनोपी मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, तो साल में 2 बार इसमें प्रूनिंग करनी चाहिए और आपको अच्छा यील्ड प्राप्त होगा। जिस किसान भाई के पास थोड़ी भी ज़मीन है वो भी इस टेक्नोलॉजी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अमरूद यहाँ के लिए बहुत अच्छी क्राप रहेगी। आम में यह है कि आम में कभी होता है कि एक बार आया एक साल नहीं आया, अमरूद में आपको 2 सीज़न मिलता है, एक न एक सीज़न में आदमी को जो भी पैसा है काफ़ी मिल जाएगा, जिससे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप, किसानों का खुला मंच। नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की, गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाना आप ही के हाथ में है।
आप एक ही खेत पे किस प्रकार चतुराई से एक फसल के साथ साथ अनेकों कार्य करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, जिससे आपकी आमदनी तो बढ़ती है, साथ ही जो समस्या हमारी रहती है कि मौसम के कारण कई बार फसलों का के ऊपर दुष्परिणाम मौसम का पड़ता है, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, ऐसे नुकसान से भी आप बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बांस का रोपण करके किस प्रकार से आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम लोग यहाँ पर बांस के वृक्षारोपण में खड़े हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि बांस एक ग्रामीण आजीविका का आधार होता है। एक तरह से बांस को गरीबों की इमारती लकड़ी कहा जाता है। इसके विभिन्न उपयोग हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई गाँव में अपने हल बखर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, और ख़ास तौर पर आजकल हैंडीक्राफ्ट जिसका एक बहुत बड़ा आधार है गाँव में, उसमें इसका उपयोग हो रहा है। हमारे किसान भाई वैसे तो बांस का रोपण खेतों की मेड़ों पर करते हैं और अपने विभिन्न उपयोग के लिए इसको उपयोग करते रहते हैं, परंतु यदि हम बांस की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं और यदि बांस से हम समुचित फ़ायदा लेने की बात करते हैं, तो जितने भी हमारी पड़त ज़मीन होती हैं या ऐसी बेकार ज़मीन जिसका उपयोग खेती में नहीं हो रहा है या किसी कारणवश वहाँ पर हम फसल नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में हम बांस का रोपण कर सकते हैं। चूँकि बांस का रोपण करने के लिए ख़ास तौर पर इसमें प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय होता है, प्रबंधन यदि अच्छे तरीके से किया जाए तो हम इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बांस की विभिन्न प्रजातियां हैं। ख़ास तौर पर हम बात करते हैं कि जैसे लाठी बांस, जो कि डेंड्रोग्लामस स्टेटस के नाम से जाना जाता है, इसका काफ़ी रोपण किया जाता है और ये बांस ख़ास तौर पर पेपर उद्योग के लिए और अन्य हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बांस एक कटंग बांस भी होता है, बम्बूसा अरंडिनेसिया, बम्बूसा बैम्बूस, इस तरह की कई प्रजातियां हैं, पर ख़ास तौर पर हम मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो लाठी बांस और बम्बूसा अरंडिनेसिया, जिसको कटंग बांस बोलते हैं, इसका काफ़ी मात्रा में रोपण किया जा रहा है। हमारे किसान भाई बांस लगाने के पहले सर्वप्रथम ये जान लें कि इसको हमें अच्छे से अच्छा इसका पौधा लगाना चाहिए, जो कि ऐसे क्षेत्रों से इसका बीज इकट्ठा किया गया है जो कि बहुत अच्छे प्रकृति के में बांस हैं और बांस किसी तरह से ख़राब नहीं हुआ है, वहाँ उन क्षेत्रों से यदि बीज इकट्ठा किया गया है तो ऐसे बीजों से हम बांस के पौधे तैयार करके पौधे को लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर बांस लगाने की अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे हम इसकी ऑफसेट कटिंग से भी बांस लगाया जाता है, बांस की कलम कटिंग से भी बांस लगाया जाता है और बीज के माध्यम से बांस के पौधे तैयार किए जाते हैं। परंतु बड़ी मात्रा में यदि बांस का रोपण करना है तो बीज के माध्यम से ही हम बांस के पौधे तैयार करते हैं। और आपको जैसा मालूम है कि बांस में फूल आना ये लगभग 20 से 25 साल या 30 साल के अंतराल में इसमें फूल आता है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर फूल आ चुके हैं वहाँ से हम बीजों को इकट्ठा करते हैं और बीज इकट्ठा करने के बाद अच्छे स्वस्थ बीजों से हम इसके पौधे तैयार करते हैं। पौधे एक बार आपके तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हम बांस का रोपण यदि हमें खेतों की मेड़ों पर करना है या यदि पड़त क्षेत्रों में करना है तो लगभग 5 से 5 मीटर की दूरी होना जरूरी है। हम 6 से 6 मीटर की दूरी भी पौधों से पौधों के बीच में रख सकते हैं। यदि किसान भाई ऐसे क्षेत्रों में रोपण करना चाहते हैं जहाँ पर उनको फसल भी लगानी है, यदि शुरुआत की 4 से 5 साल की अवस्था में वो बांस रोपण के बीच में फसल लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर 6 मीटर से दूरी कम नहीं होना चाहिए। हम पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर रखते हैं और इसके बीच में हम फसल भी लगा सकते हैं। चूँकि बांस का प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, हम बांस लगाने के बाद यदि उसमें यदि हम प्रबंधन क्रिया नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि बांस को काटना और बांस को निकालना वहाँ से एक समस्या बन जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम बांस की जो अवस्था होती है, बांस की 3 अवस्थाएँ होती हैं, एक करला, एक महला और एक पकिया। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आप बांस जो देख रहे हैं ये बांस, इसमें कुछ बांस जो पतले दिखाई दे रहे हैं ये करला स्टेज में है और कुछ अंदर की तरफ जो बांस लगे हुए हैं ऐसे बांस को हम पकिया बांस बोलते हैं, जो पक चुके हैं। यदि किसान भाई उनको पकिया बांस जो अंदर की तरफ बांस होते हैं जो, और बाकी बाहर की तरफ में हमेशा करला बांस हर साल निकलता है। करला बांस का मतलब ये होता है कि जो 1 वर्ष तक पुराना होता है और जो बिल्कुल कोमल होता है, और जो महिला यानी 2 से 3 साल पुराना बांस होता है, उसके बाद 3 से 4 साल की अवस्था में जो बांस इसमें से निकल आता है उस जो पक चुका होता है उसको पकिया बांस बोलते हैं। तो पकिया बांस को, बांस के ये जो बंच बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, इसके बीच में से पकिया बांस को हर साल निकालना जरूरी होता है। यदि हम इन बांसों को ना निकालें तो धीरे धीरे वो आपस में फंस जाते हैं और फिर उसको काटना बड़ी मुश्किल होता है। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो बांस इस गुच्छे के अंदर में जो बांस पकिया हो चुका है, जो 3 से 4 साल का बांस हो चुका है, इसको हम काट के हर साल निकालें। और इस तरह से हम यहाँ पर बांस के ये पूरे
गुच्छे में हम देखेंगे कि बांस को जब हर साल हम काटते हैं, और ये अवस्था 4 से 5 साल के बाद में आती है, 4 से 5 साल के बाद में काटने के बाद धीरे धीरे बांस खुलता जाता है, और जो बांस पतले हैं वो धीरे धीरे वो भी अपना अच्छा साइज लेते हैं, अच्छा मोटे होते जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो बांस धीरे धीरे आपस में फंस करके इस बांस को निकालना और काटना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। दूसरी बात आती है कि हम बांस की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए हमको प्रतिवर्ष जून के महीने में आसपास की जो मिट्टी है उसका गोल घेरा बनाकर के इसमें मिट्टी चढ़ाने वाला काम करना चाहिए, और सड़ी हुई गोबर खाद का यदि हम उपयोग करते हैं, खास तौर पर यदि बांसों के आसपास हम अच्छी मिट्टी खोद करके यहाँ पर इसको मिट्टी चढ़ाते हैं और इसमें सड़ी गोबर खाद डालते हैं, तो आप देखेंगे कि करला बांस जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं। यदि हम एक गुच्छे की बात करें, यदि हम 4 से 5 साल में हर साल इसमें से कम 5 से 10 बांस काटते जा रहे हैं, और यदि एक एकड़ में यदि आपने 5 मीटर की दूरी पर बांस लगाया हुआ है, तो इस तरह से एक हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधे लगते हैं। यदि आप एक पौधे से, एक गुच्छे से भी यदि हम देखेंगे कि एक गुच्छे से यदि हम 5 से 10 बांस हर साल काटते हैं, तो लगभग आप 2500 पौधे से 2500 लगभग एक, यदि हम एक बांस बेचने की बात करते हैं, यदि आज बांस की कीमत देखा जाए बाज़ार में लगभग 25 रुपये का या लगभग 50 रुपये तक एक बांस की कीमत हमें प्राप्त होती है, और ये इस तरह से यदि हम मूल्य को लेकर चलते हैं तो आप किसान भाई एक हेक्टर से लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टर तक कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें बांस से अच्छा पैसा कमाने के लिए इसका प्रबंधन को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, और प्रबंधन में सबसे बड़ी बात आती है इसकी काट छाट। यदि हम 4 साल तक जो बांस निकल रहे हैं उनकी शाखाएं जो निकल रही हैं आसपास की, यदि इनका हम काट छाट करते रहें, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर काट छाट की गई है, इस तरह का हम काट छाट करते रहें तो बांस आपस में फंसता नहीं है और बांस पूरा सीधा चलता रहता है, और इस तरह के जो बांस सीधे चलते रहते हैं इनकी हमें बाज़ार में अच्छी मूल्य भी प्राप्त होता है और वो आपस में फंसते भी नहीं है। और एक हम जो समस्या होती है बांस को काटने की, इस समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है, यदि किसान भाई खेतों की मेड़ों पर लगाना चाहते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि जो खेतों की मेड़ों की दिशा है, खास तौर पर जो पूरा पश्चिम वाली मेड़ होती है, उस मेड़ में हम बांस का रोपण करें और लगभग 6 मीटर की दूरी, कम से कम 6 मीटर की दूरी पर हम बांस लगाएं, और बांस का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि हमें उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमारे किसान भाइयों को बांस का कटाई और उसके बाद में उसको बेचने के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बांस की कटाई करके उसको बाहर के क्षेत्रों में यदि हम बेचने जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक तरह से सरकारी जो हमारी अनुमति होती है उसको प्राप्त करना जरूरी होता है। यदि किसान भाई जिस क्षेत्रों में, जिस अपने खेतों में यदि बांस लगाते हैं तो बांस लगाने के तुरंत पश्चात वो उस अपने खसरा नंबर पर कितने बांस लगाए गए हैं खास तौर पर उसका नियोजन कर लें, और आप आगे देखेंगे कि आपको बांस से रोपण से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, आप पाएंगे कि जो ऐसी पड़त ज़मीन है या जो ऐसी ज़मीन है जहां पर पहले कभी खेती नहीं हो रही है, वहां की ज़मीन भी धीरे धीरे उपजाऊ बनती जाएगी, और कुछ सालों के बाद में आप पाएंगे कि वहां की ज़मीन जब उपजाऊ हो जाती है तो वहां पर हम अच्छी तरीके से खेती भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो हमारी पड़त ज़मीन है या जो बेकार ज़मीन है वहां पर बांस का रोपण करके हम उस ज़मीन को उपजाऊ भी बना सकते हैं, और उतने सालों में हम बांस रोपण से काफ़ी फ़ायदा कमा सकते हैं। तो खास तौर पर जो हमारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखे की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, पड़त ज़मीन होती है, हल्की ज़मीन होती है या मुरुम वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर इस तरह के रोपण करके हमारे किसान भाई काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं, और उनकी आजीविका का जो आधार है, बांस एक तरह से उनकी आजीविका का आधार होता है, उस आजीविका को बढ़ाने के लिए और उसमें तेज़ी लाने के लिए एक बांस का रोपण एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। किसान भाइयों, इसका रोपण जब भी आप करें इसमें प्रबंधन को खास तौर पर ध्यान दें। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी, ना हो परेशान क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
हमारे इस कार्यक्रम को और किसान उपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।